सूरजकुंड क्राफ्ट मेला होता है तो लगभग 15-20 हज़ार लोगों के लिए 5,000 पुलिस लगती है। और आप देखिए कि प्रशासन की कोई मदद ना भी है तब भी कितने सुचारू रूप से लाखों लोग यहाँ आए और चले गए। टेक्नोलॉजी जो है ना वो किसी की बपौती नहीं है, आपका माइंडसेट क्या है, आप उसको किस तरह से इस्तेमाल कर सकते हैं। परमाणु बम से लोगों को मारा जा सकता है और परमाणु से आप बिजली पैदा कर सकते हैं, ये आपके ऊपर है। हमारी बिरादरी के युवाओं को मैं कहूँगा कि एक प्रण कर लीजिए, शिक्षा शिक्षा शिक्षा। जो गुर्जर महोत्सव 2023 क्या एक मैसेज छोड़ के जा रहा है? इस महोत्सव का महत्व आप इस बात से लगा सकते हैं कि जो रंगों भरा हमारा समाज है कश्मीर से लेकर के और महाराष्ट्र तक, वो आज आपके सामने है। यहाँ ये हमारे कुछ साथी हैं जिन्होंने नो प्रॉफिट नो लॉस पे देसी घी में जो बेहतरीन खाना हमारे समाज को मिले निस्वार्थ भाव से यहाँ पे दे रहे हैं। हमने देखा स्टेज पे, आपने आज देखा होगा कि शायद इतने हजारों की भीड़ के लिए कितने हजारों पुलिस वाले लगते हैं यहाँ पे, क्योंकि हमारे यहाँ सूरजकुंड क्राफ्ट मेला होता है तो लगभग 15-20 हज़ार लोगों के लिए 5,000 पुलिस लगती है। और आप देखिए कि प्रशासन की कोई मदद ना भी है तब भी कितने सुचारू रूप से लाखों लोग यहाँ आए और चले गए। यही है गुर्जर शक्ति, यही है गुर्जरों के अंदर सहिष्णुता, यही है गुर्जरों का देश के प्रति प्यार, अपने लिए प्रति प्यार, समाज के लिए और देश के लिए प्यार। हम संवाद कार्यक्रम में भी थे आपका, सुना वहाँ पे, और आपने एक बड़ा जोर दिया टेक्नोलॉजी को लेकर जी। तो क्या किस तरह से देख रहे हैं जो गुर्जर समाज है, टेक्नोलॉजी से अभी कितना पीछे है? देखिए टेक्नोलॉजी आपको मिल गई है बट उसका इस्तेमाल किस तरह से करना है, तो मैं ये कहूँगा कि टेक्नोलॉजी में गुर्जर पीछे नहीं है। आप उसका एक उदाहरण है, एक सुंदर टेक्नोलॉजी से आप एक चैनल चला रहे हैं और मस्ट बी यू आर डूइंग गुड, बट इसका किस दिशा में प्रयोग करना है उसके लिए ये गुर्जर महोत्सव कंटेंट दे रहा है आपको, क्योंकि बिना कंटेंट को आपको कोई जानेगा नहीं। बिल्कुल। और अगर आपके पास कंटेंट है तो लोग आपको जानेंगे, लोग आपको देखेंगे। तो वही चीज़ जो कैरी मनाटी आप देखते हैं, उसने एक कंटेंट पकड़ा और आज वो एक नामचीन यूट्यूबर है। तो आप भी यहाँ से वो कंटेंट क्रिएट करें। भारतीय सभ्यता में गुर्जरों का महत्व कितना महत्वपूर्ण है आप समझिए। अब बात विषय आई टेक्नोलॉजी की, दोस्त टेक्नोलॉजी जो है ना वो किसी की बपौती नहीं है, आपका माइंडसेट क्या है, आप उसको किस तरह से इस्तेमाल कर सकते हैं। परमाणु बम से लोगों को मारा जा सकता है और परमाणु से आप बिजली पैदा कर सकते हैं, ये आपके ऊपर है। तो ऐसे ही गुर्जर समाज आज यहाँ जो टेक्नोलॉजी यूज़ कर रहा है उसके लिए मैं सभी प्रशासन के साथ साथ मैं इंटरनेट जो व्यवस्था है उसको देखने वाली एजेंसियों से भी कहूँगा कि भाई यहाँ पे उसकी व्यवस्था वो और अच्छा करें, तो इस मेले की रीच, इसमें आने वाले लोगों को, आज जो आई बॉल का खेल है वो सोशल मीडिया है। बिल्कुल। यहाँ पे आप लोग, आप जैसे लोग जो ये मेहनत कर रहे हैं, यहाँ पे कंटेंट कलेक्ट कर रहे हैं, इसी को देख के लोग आ रहे हैं, चले आ रहे हैं। बिल्कुल। और निस्वार्थ भाव से, यहाँ पे कोई स्वार्थी व्यक्ति नहीं मिलेगा आपको, निस्वार्थ भाव से अपनी संस्कृति को, अपने समाज को और अपने खान पान को, अपने कल्चर को जानने और पहचानने का एक प्लेटफॉर्म है। एक और छोटा सा मैसेज जो युवा सुन रहे हैं, आपको देख रहे हैं, क्या एक छोटा सा मैसेज आप उनको देना चाहिए? युवा किसी देश का निर्माण करता है और युवा ही पतन करता है। तो युवा भारत है और दुनिया का सबसे युवा देश भारत है। और हमारी बिरादरी के युवाओं को मैं कहूँगा कि एक प्रण कर लीजिए, शिक्षा शिक्षा शिक्षा। जीवन में सब महत्वपूर्ण है, खेलो खेलो, तो एक जीवन एक कार्य, बहुत करने की जरूरत नहीं है दोस्तों, एक जीवन एक कार्य करिए, आप जीतेंगे। जैसे MC स्क्वायर आपके सामने है, ऐसे बहुत सारे लोग आपको मिलेंगे। चलिए धन्यवाद सर, आपने समय दिया। तो यही हमारी भी कोशिश है लगातार गुर्जर महोत्सव के द्वारा आपको पल पल की खबर हम दिखा रहे हैं। धन्यवाद।